नेक्स्ट वीडियो है प्रीपोजिशंस ऑफ पजेशन। ये भी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ पजेशन। डेफिनेशन, दीज प्रीपोजिशंस आर अप्लाइड प्रीपोजिशंस अप्लाइड when it is needed, when it is needed to indicate that one noun or pronoun, one noun or pronoun on another noun pronoun in the sentence. So these prepositions are applied when it is needed to indicate that one noun or pronoun owns another noun or pronoun in the sentence. इन prepositions को sentence में तब use करने की आवश्यकता होती है, तब use किया जाता है जब हमें sentence में ये indicate करना पड़ता है कि एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन का ऑनर है। ठीक है, एक सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन का ऑनर है, वो पजेस करता है। जैसे कि आपको जो नाम है प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशंस ऑफ पजेशन, इससे ही पता चल रहा है कि सेंटेंस में ये पता चलता है कि एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन को पजेस करता है। ठीक है, एग्जांपल्स है ऑन विद ऑफ इट इज़। ये हम कह सकते हैं कि इस प्रीपोजिशन ऑफ पजेशन की जो है सेंटेंस में आवश्यकता जब पड़ती है, जब हम सेंटेंस में ये बताते हैं कि एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन का मालिक है या दूसरे नाउन या प्रोनाउन को पजेस करता है। ठीक है, तो दीज प्रीपोजिशंस आर अप्लाइड व्हेन इट इज़ नीडेड टू इंडिकेट दैट वन नाउन और प्रोनाउन ऑन्स अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस, कि एक नाउन प्रोनाउन दूसरे नाउन प्रोनाउन का ऑनर है। एग्जांपल्स पहला आ जाएगा विद, विद में क्या होगा, पहला एग्जांपल मिलेंगे आई मेट द बॉय विद रेड हेयर टुडे। तो रेड हेयर को कौन पजेस करता है, वो लड़का। लाल बालों का कौन मालिक है, वो लड़का ऑनर है। नेक्स्ट इसी का ले लेंगे ए गर्ल
विथ बास्केट. ए गर्ल विथ बास्केट मतलब बास्केट का जो ओनर है वो कौन है, वो लड़की है. जो लड़की है वो क्या पजेस करती है, वो बास्केट. ठीक है. इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन. ठीक. नेक्स्ट ले लेंगे एग्जाम्पल ऑन. तो इसका हो जाएगा द ओल्ड मैन हैड नो मनी ऑन हिम. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेंगे ऑफ. माई फ्रेंड्स फादर इज ए मैन ऑफ वेल्थ. ठीक. तो प्रीपोजिशंस ऑफ पोजेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन क्या है, इसमें सेंटेंस में प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन को तब यूज़ किया जाता है जब हम सेंटेंस में ये बताने की आवश्यकता पड़ती है कि एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन का ऑनर है, या एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन को पजेस करता है. ठीक है.